अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं जमात दहुम मजमून अलजिब्रा सबक नंबर एक दो मुतबय्यर खती मसावाते मशकी सेट नंबर एक अशारिया दो का सवाल नंबर एक पेश करने जा रहा हूँ। सवाल है कि दी गई जदवल मुकम्मल कीजिए। जदवल मुकम्मल करने के लिए एक मसावात दी गई है, वो ये है x जमा y बराबर t। जदवल कुछ इस तरह है कि x की रो, दूसरी y की रो और तीसरी x कॉमा y की रो। अब यहां पर आपको सबसे पहले x की कीमत 3 दी गई है, तो x बराबर 3 पर y की कीमत क्या होगी ये मालूम करना है। तो इस मसावात में x जमा y बराबर 3 में x बराबर 3 रखने पर, या इंग्लिश में से इस तरह कहते पुट x इक्वल टू 3, तो हम x बराबर 3 को इस मसावात में रख रहे हैं, तो 3 जमा y बराबर 3। ये 3 इसको हल करना है, तो ये 3 को बराबर की दूसरी जानिब ले जाना है, इसलिए ये जमा 3 नफी 3 हो जाएगा, इसलिए y बराबर 3 नफी 3 बराबर 0। 3 नफी 3 बराबर 0, इसकी मानी यह है x बराबर 3 पर y की कीमत 0 होगी और x कॉमा y का आंसर होगा 3 कॉमा 0। अब आपको y की कीमत दी गई है 5, x की कीमत मालूम करनी है, तो y बराबर 5 पर x की कीमत क्या होगी ये मालूम करने के लिए y बराबर 5 को इस मसावात में रखना है, तो y बराबर 5 रखने पर y की कीमत रखेंगे x जमा y की जगह 5 बराबर 3 की जगह 3। ये 5 को 3 की जानिब ले जाना है, यानी बराबर की दूसरी जानिब ले जाना है, तो इसकी अलामत होंगी नफी 5, तो x बराबर 3 नफी 5। 3 में से 5 नहीं जाते हैं और बड़े रद्द की अलामत मनती है, तो पहले मन की अलामत लिखिए और 5 नफी 3 कीजिए, जवाब आएगा 2, तो इसका जवाब होगा नफी 2। यानी y बराबर 5 पर x का जवाब है, x की कीमत है नफी 2 और x कॉमा y होगा नफी 2 कॉमा 5। इसी तरह तीसरे कॉलम में फिर से y की कीमत दी गई है, हमें फिर से वही अमल करना है, y बराबर 3 को मसावात में रखने पर, तो x जमा 3 बराबर 3, ये जमा 3 बराबर की दूसरी जानिब जाकर नफी 3 होगा, x बराबर 3 नफी 3 बराबर 0, तो y बराबर 3 पर x की कीमत है 0 और x कॉमा y होगा 0,3। अब दूसरी जदवल के लिए हमारे पास में मसावात है x नफी y बराबर 4। अब यहाँ पर आपको इसी तरह जदवल दी गई है x y और x कॉमा y। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले y की कीमत 0 दी गई है और x की कीमत मालूम करनी है, तो आइए x नफी y बराबर 4। अब यहाँ पर क्या रखेंगे हम, y बराबर 0 रखने पर, तो x नफी 0 बराबर 4। x में से 0 नफी करना है, तो जवाब आएगा x बराबर 4। तो y बराबर 0 पे x की कीमत है 4 और x कॉमा y की कीमत होगी 4,0। अब फिर से आपको x बराबर नफी 1 दिया गया है, y की कीमत मालूम करनी है, तो आइए x नफी y बराबर 4 में x बराबर नफी 1 रखने पर, तो x की जगह नफी 1 लिखेंगे, नफी 1 नफी y बराबर 4। ये नफी y को 4 की जानिब भेजिए और 4 को नफी 1 की जानिब लाइए, तो ये होगा नफी 1 नफी 4 और ये बराबर जाकर हो जाएगा जमा 4। याद ध्यान में रखिए, जब भी कोई अदद बराबर की दूसरी जानिब जाएगा, जमा में है, अगर जमा में है तो उधर जाकर नफी होगा, नफी है तो जाकर जमा में होगा, नफी नफी होता है
जमा, तो जमा का उसूल हम यहाँ पर करेंगे मगर अलामत मनफी लगाएंगे, तो वाई बराबर नफी पांच, तो एक्स बराबर नफी एक पे वाई बराबर मिलता है नफी पांच और एक्स कोमा वाई होता है नफी एक कोमा नफी पांच। अब आपको तीसरे कॉलम में एक्स की कीमत जीरो है, वाई की कीमत भी दी गई है, आपको एक्स कोमा वाई लिखना है तो वो आएगा जीरो कोमा नफी चार। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये हमारा सवाल मुकम्मल हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हमारी इसी तरह की मजीद वीडियो हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरे एसएससी के तलबा तक पहुंचाएं।